find the middle point of chord intercepted on the line Lx plus My plus N is equals to 0 by circle X square plus Y square is equals to A square. तो अपने को circle की equation क्या given है? X square plus Y square is equals to A square. जो chord है, वो chord है Lx plus My plus N is equals to 0. तो chord का middle point बताना है. तो मैं अगर यहाँ पे इसके लिए diagram draw करूँ, तो let's say जो given circle होगा, वो ये होगा. ठीक है, ये अपना let's say ये given circle है. ठीक है, ये अपना गिवन सर्कल है. तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा? 0, 0. ठीक है, और रेडियस क्या है? ए यूनिट है. यहाँ पे आपको एक लाइन है जो कि इसके लिए कॉर्ड की तरह इंटरसेप्ट हो रही है. ठीक है, तो ये कॉर्ड की तरह इंटरसेप्ट हो रही है, और ये लाइन एल है जिसकी इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है. तो इसका मिडिल पॉइंट बताना है कॉर्ड के लिए मिडिल पॉइंट. अब अगर इसका ये मिडिल पॉइंट होगा, तो अपन क्या जानते हैं, मिडिल पॉइंट और इसको अगर अपन ज्वाइन करें, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. कॉर्ड का जो मिडिल पॉइंट होता है, उसको अगर सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर. यहाँ पे इस पॉइंट को मैं सेंटर के पॉइंट्स को ओ बोल देता हूँ, और ये मिडिल पॉइंट है, तो इसको मैं एम बोल देता हूँ. ठीक है, और एम के अपने को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है. ठीक है, तो मैं एम के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो एम मिडिल पॉइंट है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स को लेट से मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स वन कॉमा वाई वन. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल देता हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन. तो अब अगर ये एम पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है, तो ये क्या कर रहा है, ये लाई ऑन लाइन एल, और एल क्या है, एल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल्स टू जीरो है. ठीक है, तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो अगर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स वन रख देंगे. ठीक है, एल एक्स वन प्लस एम वाई वन और प्लस एन इजकल्स टू जीरो. तो यहाँ से एक्स वन वाई वन में अपने पास एक रिलेशन आ गया, एम जो मिडिल पॉइंट है इस इंटर कॉर्ड का. ठीक है, जो ये लाइन होगा, इसका कुछ पार्ट जो होगा इस सर्कल के लिए कॉर्ड होगा. ये कॉर्ड अगर मैं बोलूँ, तो ये ए भी जो होगा वो सर्कल के लिए कॉर्ड हो जाएगा, जो कि पार्ट ऑफ लाइन है. अब इसका मिडिल पॉइंट एम है, और एम के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैंने एक्स वन वाई वन बोला है, तो ये क्या करेगा, लाइन पर सेटिस्फाई करेगा. तो एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन इसका स्लो जीरो लिख दिया. अब एक और अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन. तो मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ ओ एम की बात करूं, तो स्लोप ऑफ ओ एम इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस वन, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. जो लाइन होगी और ये जो ओ एम लाइन ज्वाइन करने वाली ये सेगमेंट होगी, ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एम को इन्होंने मिडिल पॉइंट बता रखा है. तो यहाँ अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन की बात करूँ, तो लाइन की स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, माइनस टाइम कोफिशियंट ऑफ एक्स. लाइन की स्लोप निकालते हैं माइनस टाइम कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, एल अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, तो ये एम है. तो लाइन की स्लोप आ गई माइनस एल बाय एम. और ओ एम की स्लोप निकाले, तो अपन दो पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, ओ का पॉइंट पता है, एम के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अपन पॉइंट फॉर्म से यहाँ पे स्लोप निकालेंगे. तो ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ओ एम की अगर मैं स्लोप लिखूँ, तो पॉइंट फॉर्म से अपन इसका स्लोप लिख सकते हैं, तो वाई वन माइनस जीरो, वाई वन माइनस जीरो अपॉन एक्स वन माइनस जीरो इसके स्लोप क्या आ जाएगा, ये माइनस वन. अब ये स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होगा. अपने को क्या निकालना है, एक्स वन एक्स टू की, एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकालनी है. तो अपने पास दो इक्वेशन चाहिए होगा, तो एक तो इक्वेशन अपने पास आ गया है ऊपर, इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूँ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एल वाई वन इज कस टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम एक्स वन. ठीक है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एल वाई वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एक्स वन, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस ऑफ एम वाई वन आएगा. तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन देखूँ, तो अपने पास क्या रिलेशन आ रहा है, एल वाई वन इजकल्स टू एम एक्स वन. ठीक है, ये अपने पास एक ये रिलेशन आ गया, इसको मैं टू बोल दूँ. तो वन और टू से अपने को क्या करना है, एक्स वन वाई वन सॉल्व करना है. ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन वन देखूँ, तो इक्वेशन वन में अपने पास क्या है, इक्वेशन वन है एल एक्स वन, एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन इजकल्स टू जीरो. तो यहाँ से मैं क्या करूँ, एक्स वन को रिप्लेस कर दूँ. ठीक है, एक्स वन को अगर मैं रिप्लेस करूँगा, तो एक्स वन को रिप्लेस करूँगा, तो एक्स वन इजकल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एल वाई वन अपॉन एम. ठीक है, एक्स वन को रिप्लेस करके ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा एल, और एक्स वन के जगह अपन ये वैल्यू रख दें, तो ये आ जाएगा एल वाई वन अपॉन एम. ठीक है, और प्लस का एम वाई वन प्लस का एन इज कस टू जीरो. तो यहाँ से अपन वाई वन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ से वाई वन को सॉल्व करूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर वाई वन, ये आ जाएगा एल स्क्वायर वाई वन. ठीक है, और यहाँ पे अपन एलसीएम भी ले लें. ठीक है,
तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वाई वन और क्या आ जाएगा प्लस का एम एन, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एम इसका सू जीरो। ये मैंने क्या किया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया एल स्क्वायर वाई वन और इसको एलसीएम भी ले लिया, तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस एम एन इसका सू जीरो। ठीक है, अब अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से मैं देखूँ तो वाई वन यहाँ पे अपन कॉमन ले सकते हैं, वाई वन अगर अपन कॉमन ले लें तो वाई वन कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इजकल टू एम वन से ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ एम एन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगा वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, वाई वन की वैल्यू अगर अपन देखें तो माइनस ऑफ एम वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये अपने पास वाई वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं एक्स वन की वैल्यू बोलूँ तो एक्स वन की वैल्यू क्या थी, एक्स वन की वैल्यू थी एल वाई वन, एल वाई वन एक्स वन की वैल्यू आएगी एल वाई वन अपॉन एम। ठीक है, तो वाई वन की वैल्यू अपन ने निकाल रखा है तो एल अपॉन एम इंटू ये वैल्यू मैं निकाल दूँ वाई वन की, वाई वन की वैल्यू माइनस एम एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से एम से एम क्या करूँ मैं कैंसिल कर दूँ तो एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वन की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से तो एक्स वन की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ एल एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स वन के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो जाएगा एक्स वन और एक्स टू के कोऑर्डिनेट्स जो कि मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे।